ओके 28th वाला देखते हैं। 28 दी सम ऑफ टू मेंबर्स, फिर से हाँ क्या 28 दी सम ऑफ टू मेंबर्स इज सिक्स टाइम्स। दूर से पढ़ने दो मुझे। द सम ऑफ टू मेंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ टू मेंबर्स, दो मेंबर है, टू नंबर्स है, मेंबर मेंबर बोल रहा हूँ। सम ऑफ टू नंबर्स से ए बी इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। हाँ चलो अब समझ में आ गया। क्या बोल रहा है कि दो नंबर है ए एंड बी, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। सो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा। दो नंबर्स है से ए बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। हाँ तो सम ऑफ द टू नंबर्स, तो दोनों नंबर का सम कर दो। सम ऑफ द टू नंबर्स इज मतलब इक्वल टू सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन क्या है? डन, समझ में आ गया जो लिखा हुआ है वो? फिर से दो नंबर तो ए बी, द सम ऑफ द टू नंबर्स मतलब ए प्लस बी इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। उनका ज्योमेट्रिक मीन ऐसा ले लिया, सिक्स टाइम्स सिक्स का मल्टीप्लाई। डन, यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, समझ में आ गया? ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके okay. हाँ चलो, शो दैट, हमें ये शो करना है कि नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, से ये दो नंबर है तो ए बाई बी करूं मैं तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 3 + √2 / 3 - √2। शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो ए बी नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 + √2 / 3 - √2। डन ओके, ऐसा लाना है मुझे। तो ए बाई बी, तो ए बाई बी के लिए मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए और बी की वैल्यू के लिए तो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन तो है नहीं। यहां से एक इक्वेशन मिलेगा, स्क्वायर कर दो ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर कर देंगे तो 6 का हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा ए बी। डन, स्क्वायर 36 ए बी, करेक्ट। अब ये एक इक्वेशन तो मिला। ओके चलो दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। कैसे? ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला तो पता है हमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं प्लस 2ab माइनस 2ab, तो कोई फर्क पड़ेगा? इतना तो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है। डन, अब मैंने एक प्लस किया एक माइनस किया, वो तो कट हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। डन, ये क्यों किया? क्योंकि नाउ आई कैन राइट, अब मैं इसको नहीं ले रहा, ठीक है, ये टर्म को नहीं ले रहा, मैं ये टर्म को ले रहा हूं। सो मैंने ऐसा लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 2ab माइनस 2ab को मैंने लिख दिया माइनस 4ab। डन, अब ये तो क्या है? ये तो है ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है माइनस 4ab। ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर की वैल्यू तो है 36ab माइनस 4ab, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 32ab। ये किसकी वैल्यू है? ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर की वैल्यू है। समझ में आया? पक्का? ओके okay. सो ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो ए माइनस बी की कितनी होगी? ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 32 और रूट में ए बी, और क्या? करेक्ट, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हट गया और यहां पे आ गया स्क्वायर रूट में 32 और स्क्वायर रूट में ए बी। डन, पक्का? तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट में 32 मतलब 8 4 जा 4 को बाहर निकाल लो तो 2√8 आ जाएगा। तो रुको, हम निकालते हैं आराम से 32, तो इसको लिखते हैं 8 4 जा
फिर इसको भी लिखते हैं 4 + 4 डन। ये 4 बाहर निकला तो 2, ये 4 भी बाहर निकला तो 2 × √2 मतलब ये आया क्या 4√2 आया। ओके सो इसको हम लिख सकते हैं 4√2√a डन। कोई गलती नहीं है राइट। ओके नेक्स्ट। अब a माइनस b है, a प्लस b है, दोनों है देखो मेरे पास। a प्लस b 6√ab, a माइनस b भी है 4√2√ab करेक्ट। इक्वेशन सॉल्व करो, ये गया 2a इज इक्वल्स टू 6 था ना ये, और ये क्या था √32 था। कोई बात नहीं, 6√ab प्लस ही क्या है हमने, यस 4√2√ab डन। ओके 2 उधर चला गया तो a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3√ab प्लस 2 इधर चला गया तो 2 हो जाएगा 2√2√ab ऐसा हो गया। ओके तो √ab कॉमन निकाल लो तो यहां क्या बच गया 3 + 2√2 ये क्या आया मेरा a। तो अब b भी निकाल लो, वो आ गया आ गया, सही जा रहा है। मैं अभी तुम्हें बोलने वाला था कि पीछे आंसर देख लेना इसका, बट ये तो प्रूव करने का है, यही पता चल जाएगा। ओके सो ए मिल गया, ए की ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं मैं, तो ए की वैल्यू पुट करूंगा बी इज इक्वल्स टू क्या है 6√ab और ये ए उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा √ab 3 + 2√2 डन। ओके अब जाने दो वापस, 6√ab माइनस ये अंदर गया तो 3√ab वापस माइनस 2√2√ab डन। √ab यहां भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये, यहां भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये, साइन माइनस हो गई। ओके नाउ देखो 6√ab √ab तो 6 − 3 = 3 ये क्या है 3√ab माइनस 2√2√ab डन। ये इस √ab को x मान लो तो 6x − 3x क्या होगा 3x डन। तो 3x√ab माइनस 2√2√ab डन। निर्भर समझ में आ गया। ओके अब इसमें से √ab बाहर निकाल लो तो ये क्या हो गया 3 − 2√2 आ गया b, तो a बाई बी कर लो a बाई बी तो a की वैल्यू क्या है √ab 3 + 2√2 b की वैल्यू क्या है √ab 3 − 2√2 आ गया हेंस प्रूव्ड। ओके डन। क्या किया हमने सिंपली देखो ये थोड़ा यहां पे समझने वाली बात क्या थी ये हमने बनाया जैसे उसमें हमने फॉर्मूला बनाया था a माइनस क्योंकि एक इक्वेशन मिल जाएगा यहां से दूसरा कहां से लाए तो हमने a माइनस b टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा फिर प्लस 2ab माइनस 2ab लिखा इसलिए क्योंकि प्लस 2ab को आगे ले जाए तो ये a + b टू द होल स्क्वायर का बन जाएगा उसकी वैल्यू हमें पता है तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी तो उससे हमें a माइनस b मिल गया a प्लस b था तो a प्लस b a माइनस b दो इक्वेशन है दो अननोन है दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड। ओके तो हमें a भी मिल गया दूसरे में वैल्यू पुट करोगे b भी मिल जाएगा a बाय b कर लिया तो आंसर आ गया डन। ओके